सरूरपुर इंडस्ट्रीज एरिया है, मैकवल फाउंड्री, जिसके अंदर 100 आदमी काम करते थे, आज मुश्किल से वहाँ पे 20 आदमी काम कर रहे हैं। 80 आदमी मालिक ने निकाल दिए, मालिक भी मजबूर है, उसके पास कोई काम नहीं है। बहुत मंदा चल रहा है दुकानदारी, इसकी देख लो, कुछ दुकानदारी है ही नहीं। कहाँ से हो दुकानदारी, जब पैसा नहीं है तो दुकानदारी कहाँ से होगी। आप 2 घंटे रहो इधर, अगर 2 ग्राहक भी आ जाए तो गारंटी इस बात है, बस टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। उसमें काम ही ना गए तो बोले अभी काम बंद है, बाद में आना। ये 2 महीना हो गया घर बैठे बैठे, किराए पर हम क्या करें। काम धंधा है नहीं बिल्कुल फरीदाबाद में। पिछले महीने 270 बंदे को ब्रेक कर दिया गया बोनस की वजह से। बोनस मिलता था उनको, बोनस नहीं देने के लिए ब्रेक कर दिया गया। मेरा काम पार्लर का, कॉस्मेटिक और सिलाई का करती हूँ, लेकिन पहले से बहुत ही डाउन है। अच्छा। मतलब खर्चा पानी भी नहीं निकलता, बस ऐसे ही है। जैसे 10,000 लगाते हैं तो मतलब 5,000 भी बचत नहीं होती। मैं पहले नौकरी करता था, प्लाट लेके कमरे बनवा दिए, 10-12 कमरे हैं, 10-12 कमरे में आज 3 किराएदार हैं। अच्छा, बाकी 9 किराएदार खाली करके चले गए और पैसा और लेके महीने का कहता था, पैसा ही नहीं मिला अभी। अच्छा। अब वो आए परमात्मा के, नहीं आएंगे क्या होगा। अब ये बताओ कि हम बुढ़िया बुढ़े रहते हैं, हम खाएं क्या। बंदे लगाते कंपनियों में। अच्छा। भर्ती करते हैं, काम है नहीं, कंपनी वाले भगा रहे बाहर। हाँ। यहाँ से भगो, काम ही नहीं। और जो लेबर चल रही 100-150 लेबर चल रही, उसमें 20-25 लेबर रह गई, बताओ क्या करें। कुछ दिन बाद मेरे को भी भगना पड़ेगा यहाँ से। किराए के पहले पब्लिक आखिरी पे कमरे हैं क्यों, अब टाइम किराएदार नो है, काम ही नो तो किराएदार का हक नहीं है। दिवाली पे जाते 2-4-10 दिन पहले जा कर बोनस ने लेकर, वे 3-4 महीना पहले भाग रहे हैं, तो वो क्यों भाग रहे हैं अभी, तो काम नो तो यार भाग नहीं। 1.5-2 साल होगी कम, अब उतना ही वो ये खर्चा पानी निकल जाता है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब थोड़ा दुकान का हाल देख रहे हो, थोड़ा कम है काम की वजह से। जब काम होगा मार्केट में तभी हम थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ी बहुत जो पूंजी है हमारे पास वो लगा पाएंगे। काम ही नहीं है तो उसको लगाने से फ़ायदा क्या है। 57 में टोटल 58 में बढ़िया काम चला गया, 58 की सारी कंपनी मारुति और JCB भी चले गई, ये 58 में काम ना कहीं। या जैसे सब मजदूर भागो पर हो, फिर दबाव थी मजदूर भागो पर हो तो हमारी दुकान में फ़र्क पड़ेगा ऑटोमेटिक। घर बार कैसे चल रहे, बस रो पीट के चला रहे हैं, गांव से थोड़ी बहुत खेती है वहाँ कर लें, नहीं तो देख रहा हूँ सब कुछ बेचना बाचना पड़ेगा और क्या करें। पहले तो मतलब ये जैसे 5-6 क्यों खूब 60-70 मतलब लेडीज आती थी मेरे पास पार्लर सीखने भी, सिलाई सीखने भी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा अब तो। हाँ मैं ही कर रही हूँ बस, एक ही मशीन अब देख लो। अब हम लोगों को भी वैसा ही रोजगार मिल रहा है जैसे पेट पालने भर का बन रहा, बालक बच्चों पढ़ाने के लिए पैसा नहीं बच रहा हमारे पास। गरीब आदमी कहाँ कहाँ जाए, कहाँ क्या क्या कर लेगा। बच्चे नौकरी से निकाल दिए, फैक्ट्री में काम ही नहीं है। फैक्ट्री मालिक बोलते हैं काम ही नहीं है जी, हम क्या करें, हम कहाँ से तनख्वाह देंगे। ऊपर से दिवाली आ गई, जब दिवाली आ गई है तो बताओ हम कहाँ से उसका त्यौहार को मनावें, कैसे मनावें। दिवाली पैसा रहेगा तो दिवाली है ना, तो दिवाला है। हाँ जी, पैसे जब मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रहा, अभी हम बैठे इस समय 15 दिन से, जब काम नहीं है तो कहाँ से हम दिवाली मनाएंगे। दिवाली के समय में बिल्कुल एकदम मंदी है, पहले तो पेट भरेगा अपना, जब ही तो बाद में फैशन का वो करेगा। हमारी फैशनिंग की दुकान है ये, कोई ना खिलौना बिक रहा है और ना ही कोई चूड़ी उड़ी बिक रही है। जब हाथ काम ही नहीं है, पैसे नहीं है हाथ के अंदर, जेब में पैसा नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, त्यौहार तो अपने आप फीका रहेगा। हमारी समझ से तो ये सरकार नहीं सही काम नहीं कर रही है, खट्टर पट्टर कुछ ना करवा रहा। खट्टर जी ने कुछ भी काम नहीं किया है सिवाय बेरोजगारी के। आ रहा आज हमारे हरियाणा के अंदर कितनी बड़ी बेरोजगारी है, एक वो 3800 कितने वो कलर के फार्म भरे जाते हैं, 15 लाख बच्चे फार्म भर रहे हैं, आने जाने का कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, कितने बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे, आते जाते भी मौत होगी उन बच्चों की, क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का। मैं पहले मोदी को वोट दिया था ना, कि हमने इसलिए नहीं दिया था कि हमारा गला घोटा जाए, अब तो गला घुट रहा है ना, तो हमारे पास 75 रुपये हैं ना, हम 1 किलो प्याज ले सकते हैं ना, 75 रुपये हैं ना 1 किलो टमाटर ला सकते हैं ना, 75 रुपये हैं ना 1 किलो पेट्रोल ले सकते हैं, तो बताओ 75 पार हम हो गए, सीट हो या ना हो सरकार की। योगी मोदी खट्टर, इन तीनों का एक ही नारा, ना घर बसे हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा।